सीधी जिले के निधिपुरी रेत खदान संचालक ने रेत निकालने के लिए किसानों की जमीन पर जबरन सड़क का निर्माण कर लिया है। किसानों का आरोप है कि ठेकेदार हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इसकी वजह से पीड़ित किसान कई बार आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने रेत खदान के संचालक की गाड़ियों को भी रोक दिया था, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और कार्यवाही की बात को लेकर मामले को शांत कराया, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। 2011 में लगभग 150 किसानों की 12 एकड़ जमीन को आर्यन कंपनी ने फैक्ट्री लगाने के लिए अधिग्रहण किया था। कंपनी ने कहा था कि हम आपके घर में हर व्यक्ति को एक एक नौकरी देंगे, लेकिन जब कंपनी इस बात से मुकर गई तो सभी ने हाईकोर्ट जाकर स्टे ले लिया। अभी भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच रेत खदान के संचालक ने दादागिरी करते हुए सड़क बनवा ली, जिसका विरोध किसान फिर से कर रहे हैं। गांव के चंद्रशेखर प्रसाद मिश्र ने बताया कि अगर हमारे मामले को लेकर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है तो हम आगे जाकर बड़ा आंदोलन करेंगे। खदान की गाड़ियों को अपनी जमीन से निकलने नहीं देंगे। अगर गाड़ियां हमारे जमीन से होकर निकलेंगी तो उसके बदले हमें मुआवजे की राशि दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो हम खेती कर पा रहे हैं और ना ही जमीन का उपयोग किसी दूसरे कार्य में कर पा रहे हैं। निधिपुरी रेत खदान के मैनेजर सुखबीर सिंह ने बताया कि ये जिस जमीन में सड़क बनाई गई है, कई सालों से यहाँ लोग नहीं खेती करते थे। यह जमीन विवादित थी। कंपनी और किसानों के बीच में विवाद की वजह से यहाँ खेती नहीं हो रही थी। इसलिए कुछ आसपास के किसानों से हमने बात की और यहाँ पर कच्ची सड़क का निर्माण अपने कार्य के लिए किया। यहाँ कोई पक्की सड़क नहीं बनाई गई है। साथ ही जब तक सड़क बना रहे थे तब किसी किसान ने विरोध नहीं किया, लेकिन अब 4 महीने के बाद किसान विरोध कर रहे हैं। रिकॉर्ड में अनुराग द्विवेदी है, मेरे नाम से भी जमीन है। हाँ, तो ये बताइए कि ये है कि ये जो बालू बालन के कारण ये जो रोड निकाली गई है, हाँ, ना हमसे एक रुपया के इनसे हमसे का मांग गया है, हाँ, ना कोनो चीज के जरूरत ही आए। हाँ, ये हमारे जमीन से जबरदस्ती दादागिरी पूर्वक ना आज तक पूछी, ये मट्टी डाल दी, ये पोरसा भर खाई करे हमारे जमीन में।